हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको तो याद ही होगा, हमने इस जैकेट का रिव्यू डेली राइड से किया था। तो हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि इस जैकेट का हम लोग एक स्पेसिफिक रिव्यू करेंगे, तो आज वो दिन आ गया है फाइनली। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, मैं आपको ये बताऊँगा हु मेड दिस जैकेट, वॉट दिस जैकेट इज मेड अप ऑफ एंड हु हैज सर्टिफाइड दिस जैकेट। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमने ये नोटिस किया है कि यूजली कुछ लोग जब राइड्स पे जाते हैं तो वो प्रॉपरली प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहनते हैं। इसलिए आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप राइड्स पे जाए तो एटलीस्ट तीन चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। दैट इज़, फर्स्ट इज़ जैकेट, सेकेंड इज़ हेलमेट, एंड थर्ड इज़ द नी गार्ड्स। तो भले ही आप 10,000 अपने बाइक पे कम लगाओ, बट ये 10,000 अपने ज़िंदगी बचाने के लिए लगाओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आप जैकेट्स की बात कर ही रहे, तो हम बात करते हैं स्काला जैकेट्स के बारे में। तो इस जैकेट का जो फैब्रिक है वो 100% 600 DN नायलॉन पॉलिएस्टर का बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इस आसान शब्दों में, अगर कोई इंसान इसको जो पहना हुआ है वो हाई स्पीड में गिरता है तो वो आसानी से ये मटेरियल फटेगा नहीं और आपको अंदर सेफ रखेगा। प्लस आप जैसे कि ये मटेरियल देख सकते हैं, ये 70-80% मटेरियल मैश है, एंड मैश का ये एक फ़ायदा रहता है कि एयर सर्कुलेशन बढ़िया रहता है। इस आउटर मैश के साथ ही साथ अंदर और दो लेयर्स है। फर्स्ट लेयर मैश है, सेकेंड लेयर रेन लाइनर है, और जो थर्ड सबसे अंदर वाला लेयर थर्मल लाइनर है। बाकी दो लेयर कम्प्लीटली डिटैचेबल है, तो आपके राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से और मौसम के हिसाब से आप उसको लगा सकते हो और निकाल सकते हो। पूरी जैकेट के ऊपर 3M स्कॉच लाइट पाइपिंग है, उसकी वजह से रात में आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इस जैकेट का जो कॉलर है वो सॉफ्ट मटेरियल से बना है, तो लॉन्ग राइड्स पे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और इरिटेशन नहीं होती है। अभी हम बात करेंगे जैकेट साइजिंग की। तो ये जैकेट सारे स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल है, बट स्टैंडर्ड साइजेस का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो हर बॉडी के शेप के हिसाब से फिट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एडजस्टर्स दिए जाते हैं। तो इस जैकेट के अंदर वो सारे एडजस्टर्स है जो आपको चाहिए। तो पहला है वेस्ट एडजस्टर, ओके। सेकेंड है स्लीव एडजस्टर, ओके। एंड ये जो है बाइसेप एडजस्टर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बाइसेप के लिए सिर्फ दो बटन ही दिया गया है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वेलक्रो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलक्रो इनका अल्फा मॉडल में अवेलेबल है, और दोनों जैकेट का थोड़ा स्लाइडली डिजाइन डिफरेंट रखने के लिए वेलक्रो, एक में वेलक्रो का ऑप्शन दिया है और एक में टच बटन का ऑप्शन दिया है। अच्छा, हाँ याद आया मुझे कि इस, ये हम लोग मार्वल की बात कर रहे हैं, मार्वल जैकेट है स्काला का, और इसका एक दूसरा वर्जन है अल्फा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जैकेट्स में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या ढूंढते हैं, पॉकेट्स, राइट। तो इस जैकेट में भी काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में पॉकेट्स है विच आर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ, एंड अंदर एक बड़ा पॉकेट है, एक छोटा पॉकेट मोबाइल फ़ोन के लिए, एंड और एक पॉकेट है जो थर्मल लाइनर में लगा है, ठीक है, जो आपका, जो आपके फ़ोन को कम्प्लीटली वाटरप्रूफ रखता है। और एक छुपा हुआ पॉकेट है जो हमें 1.5 महीने बाद पता चला, वो यहाँ पर है साइड पॉकेट, जो कि काफ़ी डीप है, अंदर तक काफ़ी बड़ा है और 100% वाटरप्रूफ है, ओके। और बात यही नहीं ख़त्म होती, इसके अंदर दो की कैचर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक अंदर और एक बाहर। एंड ये जो जैकेट है आपके हर राइडिंग पैंट के साथ कंपैटिबल है, इस जिपर के साथ। तो अभी हमने सारी बातें कर ली है, तो अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की। स्काला की सारी जैकेट्स पे एल्बो गार्ड्स, शोल्डर गार्ड्स एंड प्लस द बैक गार्ड। तो ये पांचों गार्ड्स स्काला के सारे जैकेट्स में अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्काला जैकेट्स के दो मॉडल्स हैं, एक अल्फा और एक मार्वल। तो अल्फा में CE Level 1 गार्ड्स लगे और मार्वल में CE Level 2 गार्ड्स लगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने स्काला का मार्वल जैकेट पहन रखा है जिसमें CE Level 2 गार्ड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CE Level 2 के गार्ड्स, ये गार्ड पहनने में मेमोरी फोम जैसा कंफर्टेबल रहता है, कि ये अभी काफ़ी सॉफ्ट है, पर इसकी सॉफ्टनेस पर मत जाना, ठीक है। जब इस पर हाई स्पीड इंपैक्ट पड़ता है तो ये पूरा कंक्रीट जैसे बिहेव करता है, और साथ ही साथ इंपैक्ट को
इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे कि आप सेफ रहते हैं। हम ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, हमने इसको पर्सनली टेस्ट किया है, ठीक है। और अल्फा के अंदर सी लेवल वन गार्ड्स आते हैं जो हार्ड फॉर्म बेस्ड होते हैं। तो आसान शब्दों में दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि सी लेवल टू सॉफ्ट कंफर्टेबल और 90 किलो न्यूटन तक का फोर्स झेल सकता है, और सी वन लेवल आपका हार्ड है और 80 किलो न्यूटन का फोर्स झेल सकता है। एंड ऑब्वियसली सी लेवल टू थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू सी लेवल वन। इन जैकेट्स का प्राइसिंग कुछ इस तरीके से है, तो अल्फा जैकेट्स 4999 में आते हैं और मार्वल जैकेट सिर्फ 5999 की है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा टू गो विद द मार्वल सी लेवल टू जैकेट्स, क्योंकि सिर्फ 6000 रुपये में आपको सी लेवल टू के जैकेट्स मिल जाते हैं। अगर राइडिंग आपने जस्ट स्टार्ट की है या आप नॉर्मल क्रूजिंग करते हैं तो आपके लिए अल्फा जैकेट्स भी अच्छी रहेंगी। वैसे तो स्काला ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, बट अगर आपको उनका स्टोर ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमने ये नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करा सकते हैं। आई होप जितनी जैकेट हमें ये पसंद आई है उतनी आपको भी पसंद आई है। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये एक पॉइंट वैसे भूल गया है जो मैंने बताया था एक्चुअल में, ठीक है, और वो पॉइंट ये था कि ये रेल लाइनर जो है ना इसका, वो बहुत मज़ेदार काम करता है। और रीज़न उसका ये है कि यहाँ पे जो जिपर है, जिपर के पीछे एक ये लेयर है ताकि पानी यहाँ से ड्रिप आउट हो जाए, डायरेक्ट अंदर ना जाए। और आप सोचो अगस्त में नासिक की बारिशें इस जैकेट ने झेली और मेरे को गीले नहीं होने दिया। चित्तौड़गढ़ में इस जैकेट ने मेरे को भिगाया था क्योंकि मेरे को पसीना आ गया था यार, तीन लेयर पहन रखी थी मैंने। तो वेदर और राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से आप अपना रेन इन लाइनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे अटैच और डिटैच। हां तो मतलब तू ये कहना चाहते, मेरे को पता ही था क्या करना, मुझे पता था अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज जो भी है ये मैंने बताया इसलिए पता चला आपको। हाँ, तो मैं वरना चित्तौड़गढ़ मुझे पता ही था वो डिटैच होती है, इसीलिए तो नहीं समझाया मुझे डिटैच होती है उसके अंदर से, वो मैंने अभी बताया ना। बट एनीवेज चलता है करके, एनीवेज जितनी हमें पसंद आई उतनी आपको पसंद आई होगी, ये तो मुझे पक्का पता है। और लिंक पे क्लिक करके यार जाके अपने लिए एक ऑर्डर करो, अगर अभी तक आपके पास कोई जैकेट नहीं है तो। जैकेट होना बहुत जरूरी है, जैकेट, हेलमेट और नी गार्ड्स होने बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन रखो यार, राइड पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजुविनेटिंग होता है। बहुत भारी वर्ड बोल दिया। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, सेफ्टी फर्स्ट इज सेफ्टी ऑलवेज। हाँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओए नहीं, बंद नहीं करना था अभी, रुको 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 रुको, एक मिनट। अरे गिव अवे वाली, तो आदित्य शर्मा यार बहुत प्यारा कमेंट डाला है और हम 100% कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस एंड तक देख रहे हो तो प्लीज अबाउट में जाओ और हमारा वहाँ पे एक ईमेल आईडी है, वहाँ पे अपना एड्रेस और आपका जो साइज है दोनों हमारे को मेल कर दो, ठीक है। हम आपकी टी शर्ट आपको भेज देंगे और साइज हम आपका डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो आदित्य थैंक्स यार, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। एंड टू ऑल अदर्स जिन्होंने कमेंट डाला, बहुतों का कमेंट था, ए फॉर आशीष का भी था, पढ़ा मैंने। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यार, इट मीन्स अ लॉट। अभी सिर्फ आदित्य को दे रहे हैं हम ये टी शर्ट, आगे आने वाले टाइम में हम और भी गिव अवेज करेंगे और ये टी शर्ट तो जरूर आपको मिलेंगे जो भी हमारे, तो डे वन से जो हमारे को सपोर्ट करते रहे आगे भी और टी शर्ट बांटी जाएंगी गिव अवे के तौर पे। सो स्टे ट्यून्ड, ओके, सब्सक्राइब दबाओ, घंटा दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, गालियां बिल्कुल भी मत डालना कि मेरे को टी शर्ट नहीं मिली। मुझे पता है ये बहुत बुरी चीज है कि हम एक ही टी शर्ट दे रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम और भी गिव अवे देंगे, टी शर्ट से आगे बढ़ेंगे यार। एनीवेज बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ, बाय बाय।